हम पढ़ रहे थे क्लास टेंथ का चैप्टर 10 दसवां दुच्छेत्र। तो पिछले भाग में हमने पढ़ा था ओम का नियम। तो इस भाग में हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है प्रतिरोध। प्रतिरोध को पढ़ने से पहले हमें ओम के नियम के बारे में पता होना चाहिए। तो हम देखते हैं जो पिछले भाग में हमने ओम का नियम पढ़ा कि ओम जर्मनी का एक वैज्ञानिक था। ओम ने चालक के विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा के मध्य संबंध ज्ञात किया। बताया कि विभवांतर आई के समानुपाती होता है, वी समानुपाती आई और वी बराबर आर आई, और इसको नाम दिया प्रतिरोध। ये एक स्थिरांक है जो प्रतिरोध है। और भौतिक अवस्थाएं क्या, कौन सी भौतिक अवस्थाएं स्थिर ली, चार भौतिक अवस्थाएं स्थिर। चालक की लंबाई, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और तापमान और दाब, ये क्या लिए, स्थिर। और कहा इसको प्रतिरोध। अब देखिए ये V बराबर I बराबर क्या हो गया R, ये हो गया हमारा प्रतिरोध। अब प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध का धारा के साथ संबंध क्या है, R A बटे, अर्थात धारा वृद्धि मतलब प्रतिरोध बढ़ने से क्या होगा, बढ़ने से क्या होगा, धारा क्या होगी, कम हो जाएगी। ये चीज़ें इससे स्पष्ट हो जाएगी। विभवांतर जितना अधिक होगा प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा अधिक होगा। हमें और कुछ नहीं देखना, ये देखना कि प्रतिरोध में वृद्धि धारा में कमी, ये एक दूसरे के उल्टे थे। ये चीज़ हम देखेंगे अब। प्रतिरोध क्या है, चालक पदार्थ में प्रभावित होने वाली धारा में धारा के लिए उत्पन्न बाधा ही क्या है, हमारी प्रतिरोध है। चालक में धारा प्रवाह के लिए उत्पन्न बाधा ही प्रतिरोध है। क्या है, जो बहने वाली धारा है उसमें जो धारा है उसके प्रवाह में जो बाधा आती है धारा प्रवाह, वो क्या है, प्रतिरोध। इसे धारा जो उत्पन्न होगी वो आवेश से उत्पन्न होगी। तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि चालक तार में आवेशों के प्रवाह में उत्पन्न बाधा को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। क्या है, चालक तार में आवेशों के प्रभाव में उत्पन्न बाधा को प्रतिरोध कहते हैं, या चालक तार में प्रभावित बहने वाली धारा के लिए उत्पन्न प्रतिबाधा प्रतिरोध है। ये प्रतिरोध है और इस प्रतिरोध को R से व्यक्त करते हैं, R से व्यक्त करते हैं। और ओम के नियम से इसका सूत्र क्या होगा, R बराबर V अपॉन I। अब इसकी यूनिट देखनी है हमें, क्या यूनिट मात्र, यूनिट देखनी है। तो ये हमने ली विभवांतर है, विभवांतर का मात्र वोल्ट और धारा का मात्र एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर हो गया। और जिसका नाम दिया था ओम, नामिक विज्ञानी के आधार पर ओम, ओ एम एच, या ये ओम, ये हमने डेफिनेशन है ओम। जैसे हमने धारा की डेफिनेशन दी, अब देने के बाद हमने जो मात्रक निकाला एम्पियर, उसकी एक एम्पियर की डेफिनेशन दी। तो अब बात आती है एक एम्पियर है क्या, एक एम्पियर प्रतिरोध की परिभाषा हम अब देखेंगे। एक ओम की परिभाषा क्या है, एक ओम की परिभाषा, जिस प्रकार एम्पियर की, जिस प्रकार हमने धारा के प्रवाहित परिभाषा दी, उसी प्रकार हम देंगे एक ओम की परिभाषा। अब क्या है, आर
बराबर क्या है, वी अपॉन आई। तो इसके एक होने के लिए इन दोनों के का मान बराबर होना चाहिए, जो हमने देखा। जो हम क्या लेते हैं, एक लेते हैं दोनों का मान, एक आई बराबर एक एम्पियर और विभवांतर वोल्ट भी एक एम्पियर। तो आर का मान क्या आ जाएगा, एक एम्पियर, आर बराबर एक ओम आ जाएगा। आर बराबर क्या है, एक ओम, ओम आएगा, सॉरी एम्पियर नहीं। तो ये चीज लेनी है हमें, क्या लेना, धारा एक एम्पियर, विभवांतर जो उत्पन्न होगा वो एक वोल्ट होगा, तो प्रतिरोध एक ओम। अब क्या डेफिनेशन, चालक में बहने वाली धारा, धारा यदि एक एम्पियर हो, यदि एक एम्पियर हो, क्या चालक में बहने वाली धारा एक एम्पियर हो तथा इसके कारण चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर क्या हो, एक वोल्ट हो, एक वोल्ट हो, तो चालक का प्रतिरोध एक ओम हो। चालक में बहने वाली धारा एक एम्पियर हो और इस एक एम्पियर धारा के कारण चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर एक वोल्ट हो, तो चालक का जो प्रतिरोध होगा एक ओम। ये एक ओम की डेफिनेशन हो गई, मतलब हो गया। अब बात आती है प्रतिरोध का क्या कारण है, किसी चालक पदार्थ में प्रतिरोध होने का क्या कारण है। तो प्रतिरोध हमने देखा कि प्रतिरोध क्या है, एक वादा है, वादा रुकावट है। और प्रतिरोध का प्रतीक हम बताना भूल गए, प्रतिरोध प्रतीक क्या होगा, अप डाउन, ये प्रतीक हो। अब देखिए ऐसे सीधा जाएं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब क्या है, ये इसके लिए रुकआउट है, ये क्या चीज़ है, रुकआउट, इसलिए इसको रुकआउट के रूप में दर्शाया गया अप डाउन। तो ये प्रतिरोध का प्रतीक हो गया। अब प्रतिरोध का क्या कारण है, चालक पदार्थों में प्रतिरोध का जो कारण है वो क्या है, ये देखिए चालक पदार्थ, जो चालक पदार्थ हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, चालक पदार्थ अणुओं से मिलकर बने होते हैं, अणुओं से मिलकर बने होते हैं। चालक पदार्थ अणु से मिलकर बने होते हैं और ये अणु परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, अणु परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। ये बात, अब अणु है वो परमाणु से मिलकर बने होता है। बात आती है परमाणु की, परमाणु में क्या होता है, एक नाभिक होता है जिसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर निकालते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जो नाभिक है, इलेक्ट्रॉन है पदार्थ के, वो नाभिक के चारों ओर क्या लगाते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। अब सभी इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक से समान दूरी पर स्थित नहीं होते, अलग अलग दूरी पर होते हैं। तो भारी कक्षा के भारीतम, सबसे भार वाली कक्षा के भारीतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन नाभिक से कम आकर्षण बल द्वारा बंधे रहते हैं। जो भारीतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन हैं वो कम आकर्षण बल द्वारा क्या रहते हैं, नाभिक से बंधे रहते हैं। तो ये जो भारीतम कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, एक रूप से मुक्त रूप मुक्त
माने जाते हैं, क्या माने जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन माने जाते हैं, कि इनका नाभिक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये भारितम इलेक्ट्रॉन मुक्त रूप से क्या करते हैं, क्यों माने जाते हैं, ये जो भारितम इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, मुक्त रूप से अनियमित गति करते रहते हैं, अनियमित गति करते, अनियमित गति यानी फिक्स नहीं है, कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है। तो ये चालक, ये इलेक्ट्रॉन चालक पदार्थ में मुक्त रूप से अनियमित गति करते रहते हैं, क्या करते रहते हैं, अनियमित गति करते रहते हैं। ये जो हो गए मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब मान लीजिए अब चालक पदार्थ लिया, उसमें धारा प्रवाह के लिए हम क्या करेंगे, चालक पदार्थ के साथ बैटरी का संयोजन करेंगे, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, बैटरी का संयोजन करेंगे, क्या करेंगे, बैटरी का संयोजन। चालक के सिरों पर बैटरी का क्या करते हैं, संयोजन। अब बैटरी का संयोजन करते हैं तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन है वो प्रभाव होंगे, उनका एक आकर्षण बल लगेगा बैटरी के धन सिरे की ओर। तो होता क्या है कि जैसे ही बैटरी के साथ संयोजन करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन है जो वो बैटरी के धन सिरे की तरफ की ओर क्या करते हैं, गति करते हैं, धन सिरे की ओर गति करते हैं। क्यों, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है और जो धन सिरा वो है पॉजिटिव है, तो नेगेटिव आवेश पॉजिटिव आवेश द्वारा आकर्षित होगा, क्या होगा, आकर्षित होता है। और ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन चालक में गति करेंगे, चालक, ये इलेक्ट्रॉन चालक में गति करते हैं। क्या है? मान लीजिए ये चालक पदार्थ है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ जाएगा, यहाँ अगर धन सिरा बैटरी का, तो ये इसमें क्या करेगा, चालक में क्या करेगा, गति करेगा। और जब ये गति करेगा तो चालक पदार्थ में आने वाले अणु परमाणु तथा अन्य आयनों के साथ इसकी क्या होगी, टक्कर होगी, जिससे इलेक्ट्रॉन की गति में क्या होगी, उत्पन्न बाधा होगी। ये चालक इलेक्ट्रॉन में गति करते हैं जिससे ये इलेक्ट्रॉन चालक के परमाणुओं और अणुओं अन्य आयनों के साथ क्या करते हैं, टक्कर करते हैं, जिससे उनकी गति में बाधा उत्पन्न होती है, या बाधा ही क्या कराएगी, प्रतिरोध का कारण है। चालक पदार्थ को जैसे बैटरी के सिरे से जोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन वह धन सिरे की ओर गति करेंगे, और ये इलेक्ट्रॉन चालक में गति करते हैं, चालक में गति करेंगे धन सिरे की ओर जाने के लिए गति करते हैं, जिससे ये इलेक्ट्रॉन चालक में परमाणु होते हैं, अणु होते हैं, अणु तथा अन्य आयनों के साथ क्या करते हैं, टक्कर करते हैं, जिससे क्या होती है, उनकी गति में एक बाधा उत्पन्न हो जाती है। इस बाधा का, ये बाधा ही प्रतिरोध को जन्म देती है, यानी प्रतिरोध का कारण है। क्या था कि पहले क्या है इसका सिद्धांत कारण, कि जो चालक पदार्थ है वो अणुओं से मिलकर बने होते हैं, अणु परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, और परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और जो भारितम कक्षा के इलेक्ट्रॉन हैं वो बहुत ही कम आकर्षण बल के द्वारा नाभिक से जुड़े रहते हैं, और ये जो भारितम कक्षा के इलेक्ट्रॉन मुक्त रूप से अनियमित गति करते रहते हैं,
जब चालक के सिरे को बैटरी से सुचित करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन धन सिरे की ओर गति करते हैं और ये चालक में इलेक्ट्रॉन चालक में गति करते हैं और ये चालक में गति करते हुए इलेक्ट्रॉन चालक के परमाणुओं अणुओं तथा अन्य आयनों के साथ टक्कर करते हैं जिससे इलेक्ट्रॉन की गति में बाधा उत्पन्न होती है। यही बाधा प्रतिरोध का कारण है, यही बाधा प्रतिरोध है कह सकते हैं। तो ये हमने देख ली प्रतिरोध की डेफिनेशन, हमने देख ली एक ओम प्रतिरोध क्या है और इसका कारण देख लिया। अब आता है एक और चीज़, वो है प्रतिरोध का, प्रतिरोध पदार्थ से संबंधित चालकता। क्या है चालकता? चालकता और प्रतिरोध है, क्या है चालकता? प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? चालकता कहते हैं, चालकता कहते हैं प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? चालकता कहते हैं। क्या कहते हैं? चालकता कहते हैं। जैसे कि चालकता एक पौन प्रतिरोध कहते हैं, ये चालकता। और जैसे जिस पदार्थ का प्रतिरोध ज़्यादा होगा, ये क्या है? चालक में बहने वाली धारा को के लिए अनुकूल है और प्रतिरोध प्रतिकूल है। तो प्रतिरोध अगर ज़्यादा होगा तो चालकता क्या होगी? कम। यदि प्रतिरोध क्या हो? ज़्यादा। अगर प्रतिरोध होगा कम तो चालकता होगी ज़्यादा। तो ये बात है। अब चालकता का मात्रक आता है प्रतिरोध का उल्टा, एक बटे ओम। इसको लिख सकते हैं ओम इनवर्स और इसको क्या लिखेंगे? एच एम ओ इनवर्स। तो इसको लिख सकते हैं एम एच ओ, इस प्रकार लिख सकते हैं। इसमें इनवर्स आता है, ये लिखा नहीं जाता, इसका सिंबल दिया गया है ये ऐसे ही कि ये हमें पहले आ जाता है, ऐसा कोई नियम नहीं है। लेकिन इसके मात्रक है ये मो, इसका क्या है? मात्रक है इसका उल्टा। तो ये चालकता के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम अगले भाग में पढ़ेंगे इसे जस्ट आगे, प्रतिरोध की निर्भरता। प्रतिरोध की निर्भरता, निर्भरता देखेंगे किस पर, वो चीज़ देखेंगे किन किन पर डिपेंड करता है। अब हम जो देखेंगे वो है प्रतिरोध की निर्भरता। इससे पहले हम एक बार फिर ओम के नियम पर चले जाते हैं, ओम का नियम क्या है, क्योंकि वो ही बताएगा प्रतिरोध। प्रतिरोध के बारे में तो ओम का नियम ही बताता है पहली बार, तो हम ओम के नियम के पास जाते हैं। ओम का नियम, ओम का नियम क्या है? चालक की भौतिक अवस्थाएं, जैसे कि भौतिक अवस्थाएं, अवस्थाएं जैसे ताप, दाब, चालक की लंबाई, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जिसे कहते हैं मोटाई, ये स्थिर हो, स्थिर हो, हो तो क्या होगा? हो तो V जो विभवांतर है वो धारा के समानुपाती होगा और V बराबर R है। एक R क्या? एक स्थिरांक होगा, R स्थिरांक होगा जिसे क्या कहते हैं? कब स्थिरांक होगा R? जब ताप स्थिर हो, दाब स्थिर हो, चालक की लंबाई स्थिर हो, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इनको स्थिर माना है तभी तो R स्थिरांक प्राप्त हुआ है। अगर इनमें चेंज करेंगे तो R भी चेंज होगा, अर्थात R की जो निर्भरता है वो इन चारों से है। सो R प्रतिरोध निर्भर करता है किन पर? प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? दाब पर निर्भर करता है, चालक के दाब पर, चालक की लंबाई पर और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। इन चारों कारकों पर निर्भर करता है
उच्च कक्षाओं में हम ताप और दाब के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन हमारे सिलेबस में अब सिर्फ दो ही चीज़ है कि जो भारी वातावरण वो समान है, उसमें कोई चेंज नहीं गया, चालक की लंबाई और चालक का क्षेत्रफल, ये दो ही टॉपिक हमारे अब है। निर्भरता के बारे में, चालक की निर्भरता लंबाई पर क्या है और क्षेत्रफल पर क्या है, यही चीज़ पढ़ेंगे। तो अगला ये हमारा टॉपिक शुरू करते हैं कि निर्भरता प्रतिरोध की प्रतिरोध की निर्भरता तो देखते हैं। तो हमने देखा कि चार कारकों पर प्रतिरोध की निर्भरता डिपेंड करती है, जो हमारे सिलेबस में स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। अगर थोड़ा ध्यान दे, ताप हो गया चालक का, दाब हो गया वातावरण का, और जो तीसरी चीज है लंबाई, चालक की लंबाई और चालक की मोटाई यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये चार चीज। जो अब निर्भरता की विस्तृत जानकारी है वो दो ही कारकों पर होगी, चालक की लंबाई और चालक की मोटाई यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पर। तो पहला टॉपिक है चालक की लंबाई, चालक की लंबाई पर निर्भरता देखेंगे। लंबाई पर, चालक की लंबाई हम पर निर्भरता देखेंगे, और दूसरी बात है जो डिपेंड करता है चालक की प्रकृति पर, प्रकृति पर भी निर्भर करता है, जो पांचवां कारक है, प्रमुख कारक है चालक की प्रकृति। अगर धातु है, अनुकूल धातु है, तो प्रतिरोध कम हो सकता है, जिसमें धारा आसानी से बहे, और जिसमें न बहे वो क्या है प्रतिकूल कह सकते हैं, अर्थात ये क्या है चालक की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। जब हम लंबाई और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अध्ययन करेंगे तो चालक की प्रकृति समान लेंगे। प्रकृति का मतलब एक ही धातु या चालक लेंगे, एक ही धातु या चालक लेंगे, क्या लेंगे, एक ही धातु एक ही चालक लेंगे। तो शुरू करते हैं चालक का प्रतिरोध, चालक की लंबाई पर किस प्रकार डिपेंड निर्भर करता है। अब हमने क्या लिया, हमें क्या लेना है, सिर्फ लंबाई को ही चेंज करना है, लंबाई का अध्ययन करना है हमें सिर्फ। तो बाकी सब चीज़ों को हम क्या करेंगे, स्थिर करेंगे, क्या करेंगे, स्थिर करेंगे। तो बाकी चीज़ क्या है, एक तो प्रकृति है, मतलब एक ही धातु मान ले सकते हैं, एक ही धातु या चालक की क्या लेंगे, एक ही चाल, एक ही धातु एक ही चालक के तार लेंगे अलग अलग, उनकी जो मोटाई होगी वो क्या होगी, समान होनी चाहिए। हम क्या करते हैं, लंबाई पर निर्भर, हम एक ही चालक पदार्थ के अलग अलग लंबाई की चालक तार लेते हैं, जिनकी मोटाई समान हो, जिनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल समान हो। अब एक चालक की लंबाई ये है, दूसरे चालक की लंबाई ये है, तीसरे चालक की लंबाई ये, ए बी सी, जबकि इनकी मोटाई और जो प्रकृति है यानी जो एक मटेरियल के बने हुए, एक ही चीज़ के बने हुए, तो ये चीज़ देख। अब हम क्या करते हैं, इनकी लंबाई नोट कर ली हमने, क्या कि प्रत्येक चालक की लंबाई नोट की, उनका प्रतिरोध भी नोट किया, क्या क्या नोट, लंबाई भी नोट कर ली अल, और अब प्रतिरोध और लंबाई के मध्य हमने संबंध ज्ञात करना है। तो क्या ज्ञात किया, प्रतिरोध लिया चालक पदार्थ का, हमने क्या लिया, प्रतिरोध लिया, यहाँ पर प्रतिरोध ले लिया ग्राफ में, और यहाँ पर ले लिया चालक की लंबाई, और इनके मध्य क्या खींचा, ग्राफ खींचा। तो ग्राफ जो प्राप्त होता वो एक सीधी क्या प्राप्त होती है, एक सरल रेखा प्राप्त होती है, सीधी सरल रेखा कह सकते हैं, एक क्या प्राप्त होती है, सरल रेखा प्राप्त होती है, ऐसे क्या प्राप्त होती है, एक सरल रेखा प्राप्त होती है हमें, जिसके ये बात, ये सरल रेखा प्राप्त हो गई हमें, और ये सरल रेखा हमें क्या बताएगी कि जो प्रतिरोध है वो लंबाई के समान पाती है, स्वामानुपाती है।
अर्थात जैसे जैसे लंबाई में वृद्धि होती है वैसे वैसे चालक पदार्थ के प्रतिरोध में भी वृद्धि होती। तो हम अब दोबारा देख लेते हैं किस प्रकार हम इस चीज का अध्ययन करने के लिए एक ही धातु एक ही चालक पदार्थ के अलग अलग लंबाई की अलग अलग लंबाई के भिन्न भिन्न चालक तारें लेते हैं तथा उनकी मोटाई है वो एकदम समान है। उन चालक तारों की लंबाइयों को तथा उन चालक तारों के प्रतिरोध को नोट कर लेते हैं और चालक के प्रतिरोध तथा चालक की लंबाई में आरेख खींचते हैं और वो आरेख एक सरल रेखा प्राप्त होता है। क्या है वह आरेख? एक सीधी सरल रेखा प्राप्त होती है। अर्थात जैसे जैसे चालक की लंबाई में वृद्धि होती है जैसे जैसे चालक की लंबाई में वृद्धि होती है वैसे वैसे चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। अर्थात जो प्रतिरोध आर चालक की लंबाई के समानुपाती है, समानुपाती कह सकते हैं, अनुक्रमानुपाती है। अर्थात आर समानुपाती एन, आर समानुपाती एन। अब कोई कह दे कि एक एक मीटर तार है, एक कॉपर का एक मीटर तार एक मीटर लंबा तार है, दूसरा कॉपर का दो मीटर लंबा तार है, तो प्रतिरोध किसका अधिक होगा? जो ज़्यादा लंबा उसका प्रतिरोध ज़्यादा, यानी दो मीटर वाले कॉपर के तार का प्रतिरोध ज़्यादा होगा। अब बात आती है क्षेत्रफल पर निर्भरता। हमने ये समीकरण निकाल ली आर समानुपाती एल। अब दूसरा जो कारक है वो लंबाई है। लंबाई वाला अध्ययन किया। दूसरा जो कारक है वो है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, काट का क्षेत्रफल या कह सकते हैं चालक की मोटाई। जो ये क्षेत्रफल होता है ये साइड वाला ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, ये नहीं भार वाला, ये जो यहाँ पर ये चालक तार है ऐसे मान सकते हैं। तो जो ये क्षेत्र होता है ये वो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल है वो क्या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, यही मोटाई है। तो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर और मोटाई पर किस प्रकार डिपेंड करता, तो इसमें भी हम क्या चेंज करेंगे? सिर्फ मोटाई यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल चेंज करेंगे, धातु की प्रकृति होगी वो समान होगी और लंबाई चेंज होगी। तो इसमें क्या लेते हैं, एक ही पदार्थ के और एक ही लंबाई के भिन्न भिन्न मोटाई के चालक तार लेते हैं। हम क्या करते हैं, एक ही पदार्थ एक ही लंबाई के अलग अलग चालक पदार्थ लेते हैं जिनकी मोटाई अलग अलग है। अब क्या कर लेते हैं, उन चालक तारों का क्या कर लेते हैं, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल नोट कर लेते हैं, काट का क्षेत्रफल नोट करते हैं, क्या करते हैं नोट करते हैं और उनका उन उन और उनके संगत क्या करते हैं, संगत क्या कहते हैं प्रतिरोध का माप नोट करते हैं, प्रतिरोध को ज्ञात कर लेते हैं, मापन कर लेते हैं, प्रतिरोध को नोट कर लेते हैं। और अब क्या करते हैं, ग्राफ खींचते हैं आरेख वो किसके मध्य, प्रतिरोध आर वर्सेज एक बटे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी एक बटे एक, यानी व्युत्क्रम कह सकते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल तथा एक गार आप खींचते हैं
प्रतिरोध आर वर्सेज क्षेत्रफल ए के मध्य, इन दोनों के मध्य आर ए घेंचते हैं तो क्या प्राप्त होता है? पहले आर एक होता है वो एक सरलरेखा प्राप्त होती है, जिससे स्पष्ट होता है कि जो प्रतिरोध है आर वो किसके समानुपाती है, एक बटे आर के क्या है समानुपाती है, एक बटे आर के समानुपाती, अर्थात कह सकते हैं कि जो प्रतिरोध है वो ए के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है। जैसे जैसे चालक की मोटाई बढ़ेगी वैसे वैसे उसका प्रतिरोध कम होगा। प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है, ये भी देखेंगे। तो हमें क्या प्राप्त हुआ अभी तक, जो आरेख प्राप्त हुआ वो एक है, हमें सरलरेखा प्राप्त हुई। क्या प्राप्त हुई इनमें, आर और एक बटे ये ए, इनके मध्य जो आरेख है सा वो एक सरलरेखा प्राप्त हुई, ये बिंदु ये बिंदु ये बिंदु। अब जो अलग आरेख है सा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में सेकेंड आरेख, उसमें भी एक सरलरेखा प्राप्त होती है, लेकिन वो सरलरेखा क्या होती है, मूल बिंदु से नहीं गुजरती। किस प्रकार की होती है, ये प्रतिरोध हो गया ये एरिया, इस प्रकार इसका मतलब है जैसे ये एरिया कम है प्रतिरोध ज्यादा है, एरिया बड़ा प्रतिरोध कम हुआ, ये कम हुआ कम होता गया, क्योंकि ए का मान यहाँ बढ़ रहा है धीरे धीरे और प्रतिरोध घट रहा है। तो ये बात बताती है कि जैसे जैसे क्षेत्रफल बढ़ेगा प्रतिरोध तो क्या होगा कम होगा, तो प्रतिरोध क्षेत्रफल की क्या है व्युत्क्रमानुपाती है, क्या है प्रतिरोध आर प्रतिरोध आर अनुप्रस्थ काट के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के क्या है व्युत्क्रमानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती है धन। ये बात है मेन चीज अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए, तो इसको किस प्रकार लिखते हैं आर मैथमेटिक्स रूप से, जो चीज़ आपको याद रखनी है वो मैथ है, जब आप फिजिक्स का चैप्टर पढ़ते हैं तो मैथमेटिक्स टूल, इस एक बटे आर का सब अर्थ निकल जाता है एक बटे आर। और यहाँ पर क्या लिख दें, अगर अल लिख दें तो इसका मतलब है लंबाई सेम ली है हमने उस पदार्थ, तो ये हमने ले ली, ये सब हमने लंबाई का जिक्र कर ली। हम अब प्रतिरोध की जो निर्भरता है, हमने लंबाई प्रतिरोध की निर्भरता, हमने जब लंबाई पर अध्ययन किया तो मोटाई फिक्स ली समान ली, और मोटाई का अध्ययन किया जब लंबाई समान ली, लेकिन हमें दोनों का एक साथ अध्ययन करना है, तो दोनों समीकरण क्या है, जब पहली बात लंबाई पर अध्ययन किया, लंबाई पर अध्ययन किया तो आर समानुपाती एल, दूसरी बात जब मोटाई पर अध्ययन किया तो आर व्युत्क्रमानुपाती एक बटे व्युत्क्रमानुपाती है क्षेत्रफल के हैं। तो ये बात है आर के व्युत्क्रमानुपाती होती है क्षेत्रफल के। अब हमने दोनों का अध्ययन करना है, लंबाई भी बदल रही है चालक की और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पर, तो दोनों समीकरण को एक साथ लिखते हैं तो क्या होता है आर समानुपाती अल बटे ए, अल बटे ए। ये दोनों हमने एक साथ ले लिए, ये जैसे ओम का नियम है वैसे ही ये समान आने के लिए एक समानुपाती स्थिरांक आएगा के एल बटे ए के समानुपाती पदार्थ, लेकिन दोनों ही कारकों में हमने जो एक चीज ली थी वो थी एक ही पदार्थ की, एक ही पदार्थ के चालक पदार्थ यानी उसकी जो प्रकृति थी वो हमने क्या ली कॉन्स्टेंट थी स्थिर ली, और ये क्या दिया हमने स्थिरांक बता दिए, ये भी एक स्थिरांक है, प्रकृति स्थिर ली
तो के एक स्थिरांक है और के को एक एन सिंबल है रो, रो से भी व्यक्त करते हैं। तो आर के है एक क्या है, स्थिरांक है जिसे चालक पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध यानी प्रतिरोधकता कहते हैं। के क्या है, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध यानी या प्रतिरोधकता क्या है, प्रतिरोधकता। ये है, अब है बात आती है प्रतिरोधकता की, बात परिभाषा करेंगे और डेफिनेशन देखेंगे। अब क्या देखा, के तभी स्थिर है जब इसकी प्रकृति स्थिर थी। हमने एक ही पदार्थ के धातु लिए, लेकिन अलग अलग प्रकृति के धातु लेंगे उनके लिए के का मान क्या अलग अलग होगा, प्रकृति चेंज करने पर के चेंज होगा। तो के किस पर निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, चालक की लंबाई और क्षेत्रफल पर नहीं। अब दूसरी बात, अब हमने प्रतिरोधकता शब्द लिया है, अब इसकी डेफिनेशन भी हमें पता होनी चाहिए। अब पहले तो हम इस सूत्र से के ज्ञात करते हैं, के बराबर, इससे हमने के का मान ज्ञात करना है। तो ये जो ए है इसको एक बार अच्छे से लिख देते हैं हम, के की वैल्यू ज्ञात करनी है जो प्रतिरोधकता है, और इस सूत्र से ही हम क्या करेंगे प्रतिरोधकता के डेफिनेशन। तो आर बराबर के अपॉन एल ए। अब के है, के के साथ में एल ए गुणा है, तो इसमें क्या चले जाएगा, आर में भाग चला जाएगा, आर एल ए क्या चले जाएगा डिवाइड में अपॉन, या ये कह सकते हैं ये चीज हो गई, इसको किस प्रकार लिख सकते हैं आर एल इंटू ए, ये कह सकते हैं एल ए, या एल ए है ए क्या है, इस एल इसके साथ गुणा में है, तो आर आगे जो के का मान ज्ञात करेंगे तो आर के साथ तो क्या हो जाएगा, ये एल इसके गुणा में है तो आर के साथ ये भाग में चला जाएगा, और ए इसके भाग में है तो आर के भाग में है तो आर के साथ क्या हो जाएगा गुणा में, तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा के बराबर आर ए अपॉन एल। ये इसी प्रकार का सूत्र हो गया, यहाँ के का मान ज्ञात किया है, सेम है थोड़ा सा ऊपर एल हमारी, तो इसी से डेफिनेशन करेंगे। हमें क्या करना है, L बराबर R, क्या आप दिया नाम दिया था इसको विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध जैसे विशिष्ट स्थिति होता है, मतलब एक खास व्यक्ति उसमें जो मुख्य अतिथि चौथी अतिथि होता है उसमें अगर कुछ खास बात हो तो उसे विशिष्ट अतिथि कहते हैं। तो इसी प्रकार ये क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है, तो इसमें हमने विशिष्ट प्रतिरोध में कुछ ऐसा गुण लगाएं जिसे ये विशिष्ट मन जाए। तो ये हमें क्या करना है, एल के बराबर करना है, इस प्रतिरोध में विशिष्ट गुण लाने के लिए हमने एक को क्या लिया, एक मीटर स्क्वेयर, और जो लंबाई ली वो भी हमने एक मीटर ली, और जो हमें ए बराबर क्या प्राप्त हुआ, के प्राप्त हो गया, के बराबर क्या प्राप्त हुआ, आर प्राप्त हो गया, मतलब के भी एक प्रतिरोध है, लेकिन कैस कब, जब ए भी एक मीटर हो और लंबाई भी एक मीटर हो। तो इन विशेष स्थितियों में ही के किसके बराबर आर है, तो इसके डेफिनेशन इसी से देंगे, किसी चालक तार ए एक किसी चालक की लंबाई एक मीटर हो और उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एक मीटर स्क्वेयर हो, तो उस चालक पदार्थ का प्रतिरोध उस चालक लिख सकते हैं, चालक का
प्रतिरोध को भीष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। यानी अगर किसी चालक तार की लंबाई एक मीटर और चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो क्या हो, 1 मीटर स्क्वायर हो, तो उस चालक का प्रतिरोध ही भीष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। और प्रतिरोधकता को के सिंबल से लिखते हैं, तो इसका सूत्र है आर पोन अल ए पोन अल, ये हो जाएगा। तो इसका मात्रक देखना है, तो के का मात्रक तो आर का मात्रक ओम और एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर और मीटर और लंबाई का मात्रक मीटर, मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा ओम मीटर, ओम। ये इसका किसका मात्रक हो गया, प्रतिरोधकता का। और प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है, चालक पदार्थ की प्रकृति। और कुछ इस पर निर्भर नहीं करती। मान लीजिए एक ही धातु के दो पदार्थ है, उनके लिए क्या जो रो लिखते हैं या के क्या होगा, समान होगा या अलग अलग होगा। ये पूछ सकता है कि दो तार हैं जो कॉपर के हैं, उनके लिए वह कौन सा गुण होगा जो समान होगा, प्रतिरोधकता समान होगी, प्रतिरोध समान हो ये जरूरी नहीं। तो ये हमने पढ़ा लिया इस भाग में, क्या पढ़ा, प्रतिरोध क्या है, आयस के प्रभाव में चालक के कारण जो बाधा उत्पन्न होती है वो प्रतिरोध है। क्यों, कि जो इलेक्ट्रॉन चालक में प्रवाह होते हैं वो क्या होते हैं, अन्य परमाणु अणु या अन्य आयनों के साथ टक्कर करते हैं और यही टक्कर से इनकी गति में बाधा उत्पन्न होती है, बाधा ही प्रतिरोध है। प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता कहलाती है, जिसका मात्रक महो है। अब बात की प्रतिरोध की निर्भरता, प्रतिरोध चार कारकों पर निर्भर करता है, ताप दाब चालक की लंबाई अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, हमारे सिलेबस में दो है, चालक की लंबाई और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। चालक की लंबाई है उस पर चालक की लंबाई के क्या है, समानुपाती है, लंबाई बढ़ेगी चालक का प्रतिरोध बढ़ेगा, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की क्या व्युत्क्रमानुपाती है, क्षेत्रफल घटेगा और प्रतिरोध बढ़ेगा और क्षेत्रफल जब बढ़ेगा प्रतिरोध घटेगा, ये बात है। और कुल मिलाकर फिर ये फॉर्मूला निकल आता है, R बराबर के एल ए, जहाँ ए के एक अनुपातिक स्थिरांक, एक स्थिरांक है जिसे विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। प्रतिरोधकता का फॉर्मूला इस प्रकार से निकालते हैं, एरिया 1 मीटर स्क्वायर और लंबाई 1 मीटर लेते हैं, तो के है वो आर के बराबर होता है। अगर किसी चालक की लंबाई 1 मीटर हो, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, तो उस चालक पदार्थ का प्रतिरोध ही उसकी प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। और इसका जो फॉर्मूला है, जो मात्रक है, वो मीटर ओम इंटू मीटर है। तो ये हमने अब तक ओम के नियम के बारे में जो हमने पढ़ा, प्रतिरोध के बारे में डिटेल पढ़ ली है। अगर आपको अब भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, फुल फॉर्म में आएगा, आपके पूरा आएगा तब प्रतिरोध क्या है, तो आपको ये पूरा अध्ययन करना है। और इससे संबंधित न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं जो आपको आगे करवाए जाएंगे। धन्यवाद।